बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त एंड गुड न्यूज़ आपके लिए आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पंजाब पुलिस की नई भर्ती का ऐलान कर दिया गया है और इसके लिए ना कोई टेस्ट है और ना कोई फिज़िकल टेस्ट है, ना ही इसकी कोई दौड़ है और ना ही इसके लिए कोई कद छाती चाहिए। ओनली ऑन टैपिंग टेस्ट चाहिए इसके लिए। टोटल असामियाँ 270 हैं। तलीम इसके लिए बैचलर डिग्री सेकंड डिवीज़न है। इसके इश्तिहार जारी कर दिए गए हैं। पूरे पंजाब से मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी ताकि हम नेक्स्ट आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। तो चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट ये PPSC की तरफ से एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जिसमें पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टें आई हुई हैं। मैं आपको बता दूँ टोटल वैकेंसीज 270 हैं। ओपन मेरिट पर 148 हैं। वुमेन कोटा 84 है। मिनोरिटीज़ कोटा 28 है। स्पेशल पर्सन कोटा 17 है। बेसिक स्केल नेम नेचर ऑफ द पोस्ट, इसका टोटल जो स्केल है वो 15वां स्केल है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। ऑन रेगुलर बेसिस यानी कि परमानेंट पोस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोस्ट नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। इसमें आप लाजमी अप्लाई करें। बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन एंड अ स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट ऑफ शॉर्ट एंड इन इंग्लिश एंड 40 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। 3 मंथ सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस फ्राम अ रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हु आल्सो नो उर्दू शॉर्ट हैंड एंड उर्दू टाइप राइटिंग। 3 मंथ सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस इन प्राइवेट इंटिटीज शैल बी एक्सेप्टेड इफ सच इंटिटी इज रजिस्टर्ड विद SECP रजिस्टर्ड ऑफ फर्म आर एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आपकी बैचलर डिग्री है 14 साल तलीम है तो इसमें आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका BA उर्दू में है, चाहे इंग्लिश में है, चाहे जिस मर्जी सब्जेक्ट में है, तमाम के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया वो मेल के लिए एज 18 से 30 साल है, फीमेल के लिए एज 18 से 33 साल है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब नोटिफिकेशन के मुताबिक। जेंडर मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, पंजाब के तमाम इजला के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, एनी वेयर इन द पंजाब, पंजाब में कहीं भी जगह आपकी तैनाती की जा सकती है। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इफ हेल्ड इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट विल बी हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट। द कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट विल बी हेल्ड एंड MS ऑफिस प्रोफिशंसी टेस्ट विल ओनली बी हेल्ड ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट। इसमें ओनली ऑन 2 टेस्ट होंगे, एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड का, एक इंग्लिश का टेस्ट होगा, दूसरा शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो शॉर्ट हैंड का होगा, नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। 40 वर्ड जिसके लिए चाहिए और शॉर्ट हैंड के लिए 70 वर्ड्स पर मिनट स्पीड चाहिए। और इसकी जो लास्ट डेट वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 फरवरी 2024 है। इसकी लास्ट डेट 26 फरवरी 2024 है। और इसका जो तरीकाकार है अप्लाई करने का वो ऑनलाइन है, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो मज़ीद इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ रबते में रहें, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह के एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ जी।